तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं सिरसा तेज डॉट कॉम। इस समय मैं गांव झोपड़ा में हूं और फूलों की खेती के बीच हूं, और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि गेंदे की खेती है ये। और मेरे साथ जो किसान हैं, युवा किसान हैं, अजय संधा, क्योंकि ये 2014 से फूलों की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपये सालाना ये इससे पैदावार ले रहे हैं। आसपास के जो गांव है उनके लिए किसान है प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि हम लगातार ऐसी स्टोरीज कर रहे हैं जो किसान है जो अलग से हटके जो खेती कर रहे हैं, खास करके परंपरागत खेती छोड़ करके। आइए चलते, हम बात करते हैं किसान अजय संधा से। सर, कितने वैरायटी की खेती करते हैं आप फूलों की? सर, लगभग मैं इस टाइम 7-8 तरह की वैरायटी की खेती कर रहा हूँ। हाँ जी, तो इसमें कोई मार्केटिंग कोई दिक्कत फूलों की नहीं? फिलहाल तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, इनकम्स कमा लेते हैं आप? हाँ जी, बढ़िया। कैसे, कितने रुपए में बिक जाता है ये गेंदे का फूल? फिलहाल अभी पीछे नवरात्रों के टाइम में 60 रुपए किलो तक भी बिका था, अभी इसका चल रहा है 35-40 का रेट चल रहा है किलो के हिसाब से। हाँ जी, और अभी पीछे मैंने ग्लैडियोलस की खेती की थी, अभी उसका ऑफ सीजन आ गया है, तो उसमें मैंने एक स्टिक लगभग 5 रुपए से लेके 7 रुपए तक बेची है मैंने एक स्टिक। हाँ जी, अब और एक जयमाला में सफ़ेद कलर का फूल पड़ता है, मैग्रेटा के नाम से आता है, उसकी मैंने खेती की थी 2 कनाल में, और लगभग उसमें मैंने 30,000 के फूल निकाले हैं 2 कनाल से। 2 कनाल से 30,000 रुपये की इनकम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कितनी मतलब वैरायटीज बाकी, और इसके गेंदे के अलावा कितनी वैरायटीज के आप इनकम? लगभग 3-4 वैरायटी मेरे और है मेरे पास। स्टोक फ्लावर है जो कि बुके में पड़ता है फूल, और स्वीट विलियम, और एक दो वैरायटी और हैं वो अभी मैंने टैल के रूप में लगाई थी मैंने। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे किसानों को, परंपरागत खेती छोड़ के फ्लोरिकल्चर में किसानों को अजमाना चाहिए ये खेती? नहीं, बिल्कुल खेती करनी चाहिए, बहुत अच्छी खेती है, और गेहूं कपास धान से कई गुना इनकम ज़्यादा होती है और कम अवधि में इनकम होती है। कम अवधि में, जैसे हाँ आप बता रहे हैं कि 3 महीने में ही पूरी जो फसल है वो तैयार हो जाती है और बिक भी जाती है। हाँ जी बिल्कुल, 3 महीने में, 1 महीना तो एक जगह पे पौध खड़ी रहती है और 2-3 महीने की और खेती होती है इसमें। हाँ जी, 3 महीने में पूरा जो है तैयार हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को, क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि परंपरागत खेती के अलावा कुछ अलग भी करना चाहिए, चाहे वो सब्जी है, चाहे फूल है, कुछ भी है। ऐसे तो किसान नीचे ही डूबता जाएगा, नीचे ही चला जाएगा अगर हम अलग से कुछ नहीं करते तो। कई तरह की खबरें सुनने को मिलती है कि किसान ने कर्ज को लेकर आत्महत्या कर ली, और कहीं ना कहीं जो खेती है लगातार किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। लेकिन आज हमने जिस किसान से आपको मिलाया, अजय संधा, इनके लिए खेती है ये घाटे का सौदा नहीं है और ये लाखों रुपए की इनकम्स ले रहे हैं, और किसानों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि किसान भी है परंपरागत खेती छोड़ करके, जैसे फ्लोरिकल्चर है, फूलों की खेती है, उसमें अपना अच्छा इनकम्स कमा सकते हैं। कुछ और किसान भी हैं इस समय हमारे साथ मौजूद। सर, क्या नाम आपका? मदन नड्डा। तो और गांव के कितने युवा हैं वो इसमें फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे हैं? अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक मित्र आपके पीछे खड़े हैं अमनदीप, ये भी कर रहे हैं खेती, ये इनके कज़न हैं, और बाकी इनको देख के अभी लग रहा है कि गांव में और भी आगे किसान इस तरह आकर्षित होंगे। तो क्या लगता है कि अच्छी इनकम्स ले रहे हैं, किस तरीके का संदेश है इलाके में? देखिए, संदेश बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी आपने पहले बात की, जो पुरानी एक पद्धति है खेती की, लोग उसको भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि इसमें मेहनत भी कम है और लागत कम है, इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे अभी फ़र्क पड़ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन अभी आने वाले समय में हो सकता है, जैसे किसान कर्जे के मार के नीचे है, उससे निकलने के लिए अगर वो दूसरी फसलों को नहीं अपनाएगा, खेती है इसमें क्या, सब्जी है, ये फ्लावर है, इनको तो अच्छी बात नहीं है, इनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।